સુપ્રસિદ્ધ પ્રવાસન દીવ ધીમે ધીમે વિશ્વ ફલક પર આવી રહ્યું છે ત્યારે દીવ પ્રવાસનને હવે વધુ વેગ મળશે. જી હા, મુંબઈથી દીવ અત્યાધુનિક ક્રૂઝ સેવાનો પ્રારંભ થયો છે. આજે પ્રથમ દિવસે 385 જેટલા પ્રવાસીઓ મુંબઈથી દીવ આવી પહોંચતા દીવ પોર્ટ ખાતે પ્રવાસન દ્વારા ટુરિસ્ટનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું છે. ક્રૂઝમાં સફર કરી આવનારા ટુરિસ્ટ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે ક્રૂઝની સફર શાનદાર અને આહલાદક તેમજ આરામદાયક રહી છે. દીવ ખાતે આવી પહોંચનાર જેલિસ ક્રૂઝના મેનેજર વિપિન ચૌધરીના કહેવા મુજબ મુંબઈ અને દીવ વચ્ચે 140 નોટિકલ માઇલનું અંતર છે. 1670 પેસેન્જરની કેપેસિટી ધરાવતું ક્રૂઝનો પર પર્સન ચાર્જ મુંબઈથી દીવનો 8000 રૂપિયા છે, એટલે કે આવક જાવકના 16000 રૂપિયા થાય. ક્રૂઝની અંદર એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને ભોજન સહિતની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ક્રૂઝ આ મહિનામાં 21 અને 28 એમ હજુ બે વખત દીવ આવશે. મહિનાની અંદર દીવ મુંબઈની 3 ટ્રીપ કરવામાં આવશે. ગીરના દરિયા કિનારે ક્રૂઝ ન જઈ શકે તે માટે દીવથી ટુરિસ્ટ ગીર અને સોમનાથની મુલાકાત પણ લેશે. મુંબઈથી દીવ પહોંચતા ક્રૂઝને આશરે 12 કલાકનો સમય લાગે છે. देखिए जलेश क्रूजर्स बेसिकली इंडिया में अप्रैल से चालू है. हम शिप की जो कैपेसिटी है 1670 पैसेंजर्स की है और इसमें 837 स्टेट रूम्स है जो कैबिन्स होते हैं. और हम लोग अप्रैल से मुंबई गोवा मुंबई हाईसी मुंबई गणपति फुले करते रहे हैं. और हम लोगों को नए पोर्ट्स खोलने का जो ऑप्शन था, हम लोग दीव काफ़ी टाइम से देख रहे थे. दीव में थोड़ा बहुत डेप्थ का प्रॉब्लम था, बट ये पहला कॉल है और इस बार 385 पैसेंजर्स के साथ आए हैं. अब अगला कॉल दीव में 21 नवंबर को है, उसके बाद 28 नवंबर को है और बेसिकली अगले 2-3 महीने में हर महीने में 3 कॉल हम दीव में आएंगे. जी तो ये मुंबई से चलेगी और दीव आके 9 से 10 घंटा रुकेगी और फिर वापस निकल जाएगी. जी घंटे बेसिकली देखिए बॉम्बे से 12 घंटे लगते हैं दीव आने में. 140 नॉटिकल माइल्स है और इसमें जो एवरेज टैरिफ है वो 8000 रुपये का है पर पैसेंजर पर डे. 4 टाइप के कैबिन्स हैं, बेसिकली मिनी सूट है, बालकनी कैबिन्स हैं, ओशन व्यू है, इंटीरियर है, तो अलग अलग एवरेज 8000 की है. नहीं देखिए अभी सोमनाथ तो शिप तो जा नहीं सकता, वहाँ पे पोर्ट में कोई ऑप्शंस है नहीं, तो दीव से ही लोग सोमनाथ के लिए जाएंगे या गिर के लिए जाएंगे. यहाँ से ही बसेस में हम लोग पैसेंजर्स को लोड करके वहाँ से भेजेंगे और 10 घंटे के अंदर अंदर उनको वापस भी आना है. जी अभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जो कर्णिका करके जो जलेश क्रूज है वो यहाँ पर डॉक हुई है, तो बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. और साथ में जिस हिसाब से यहाँ पर सभी ने हम सभी को वेलकम किया है तो उससे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. तो आप सभी को दिल से धन्यवाद. और यहाँ के जो भी टूरिज़्म है वो डेफिनेटली ये सब चीज़ों से टूरिज़्म को बहुत हेल्प मिलेगी. उसके लिए जो भी कंसर्न पर्सन है, कंसर्न जो भी इसके लोग हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और अलग अलग जगह पर करेंगे तो डेफिनेटली भारत की अलग अलग जगहों पर सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं. और साथ में इस सभी जगहों पर जाकर सभी लोग अपनी भारत की जो ब्यूटीफुल या जो नेचर है उसको उसका अनुभव ले सकते हैं, उसका लुत्फ़ उतार सकते हैं. तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिस तरह से हमारा वेलकम यहाँ पर किया गया. इट्स अ रेड कारपेट वेलकम फॉर ऑल ऑफ अस, सो डेफिनेटली इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग. बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुश है. और आप सभी को क्रूज आखी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रूज आ लोग बनाई है, इन अंदर फेसिलिटी तो बहुत फेंटास्टिक है. પ્લસ જમવા ખાવાનું બહુ સરસ છે, એ લોકોની જે સુવિધામાં બધી જ ફેસિલિટી છે. અને પ્લસ લાઈવ ડાન્સ શો, પ્લસ એમાં મ્યુઝિક પ્રોગ્રામો, પ્લસ જે સ્ટાફ છે, સ્ટાફની જે નમ્રપણું ને વિનમ્રપણું છે એ બહુ જ સરસ છે. એટલે મને તો બહુ જ ગમ્યું કે હું તો 3-4 ઇન્ટરનેશનલ ક્રૂઝમાં બી જઈ આવી છું, એ પ્રમાણે જ આ લોકો એનું સ્ટાન્ડર્ડ મેન્ટેન કરેલું છે. એટલે બહુ મજા આવી. આજે અમે દીવ અહીંયા આગળ ફરવા માટે લઈ આવ્યા છે. હવે આજે દીવમાં સાઇટ સીઈંગ માટે હમણાં લઈ જશે, તો મને હું સાંજે આવીને તમને કહું કે હું દીવમાં શું જોઈને આવી. અને અચ્છા, આમ ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક, અહીંયાની ટિકિટ લગભગ 32,000 જેવું આનું ટિકિટનો દર છે અને એમાં 2 રાત 2 દિવસ પ્લસ ઇન્કલુડિંગ એવરીથિંગ. સો દેટ ઇઝ ક્વાઇટ રિઝનેબલ કમ્પેર ટુ અ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ. કારણ કે હું તો અલાસ્કા ક્રૂઝ બી કરી આવી છું, સ્ટાર વર્ગો બી કરી આવી છું, સ્ટાર લિબ્રા બી કરી આવી છું, એના કમ્પેરમાં આઈ થિંક ધીસ ઇઝ નથિંગ. યે બહુત અચ્છા એક્સપિરિયન્સ થા.
पहले हम लोग कभी स्टार क्रूज वर्गों पे गए थे, दैट वाज गुड, लेकिन इसको देख के बहुत अच्छा लगा जलेश का कि हम अपने ही भारत में, हमारा इतना अच्छा क्रूज है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े रूम्स, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा था जो उन्होंने स्वागत किया, जो हमारे बिल्कुल इंडियन तरीके से टीका लगाना, फूल माला पहनाना, फूल देना, ये मुझे यहाँ दमन में भी एक इतना प्यारा सा फूल मिला है, बहुत अच्छा लगा। कभी किताबों में पढ़ते थे दमन एंड दीव, आज हम अपने दमन एंड दीव में यहाँ खड़े हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, पहली बार आई हूँ और फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा कि हम बाहर हैं कहीं, अपना देश, अपने लोग, सब एकदम मुझे अपने बहन भाई जैसे दिख रहे हैं।